तो भाई ये गाड़ी आई है मेरे पास अपाचे आरटीआर, अपाचे आरटीआर यूपी 83AX7876। इस गाड़ी की 500 किलोमीटर की पहली सर्विस है, इंजन का काम हुआ था। अब इस गाड़ी के अंदर हम क्या क्या कर रहे हैं हम आपको शेयर करेंगे। कस्टमर की कंप्लेंट क्या क्या, कस्टमर की दो प्रॉब्लम है इसके अंदर। एक तो आगे से आवाज़ आती है कट 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 जैसी गड्ढे में जाती है, दूसरा टैपर की आवाज़ आ रही है। 500 किलोमीटर पर ये सब चीज़ें कॉमन होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि गाड़ी में बहुत सारा काम किया था हमने, बहुत सारा। मैं कस्टमर से भी मिलवाऊंगा आपको। अभी क्या कर रहे हैं हम इसकी सर्विस कर रहे हैं, तो फटाफट से गाड़ी ऊपर उठा और कैसे सर्विस करेंगे, कैसे कैसे कंप्लेंट सॉल्व करेंगे, कस्टमर से कैसे बात करेंगे, यही सारी की सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो ये फटाफट से गाड़ी उठा रहे हैं ऊपर हम, ये उड़ गई हमारी गाड़ी। जल्दी फटाफट ऑयल का नट खोल, ठीक है। तो फटाफट ऑयल का नट खोल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑयल का नट खोलेंगे, ऑयल को चेक करेंगे कितना ऑयल निकला है, ठीक है। पूरा ऑयल निकलना चाहिए इतना भी, 900 के आसपास, 900 ml। उसके बाद हम ऑयल फिल्टर चेंज करेंगे। ऑयल फिल्टर जो होता है यहाँ पर होता है सर की तरफ, तो ऑयल फिल्टर यहाँ पे होता है। ये ऑयल फिल्टर चेंज करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है अगर हम सर्विस कर रहे हैं तो, मैं आपको काफ़ी बार वीडियो बताई है। उसके बाद हम गाड़ी का प्लग खोलेंगे, प्लग खोल के साफ करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको खुद दिखाऊंगा कि गाड़ी के प्लग की कंडीशन कैसी है लाइव एकदम, क्योंकि 500 किलोमीटर की सर्विस हो रही है तो भाई इतना सब कुछ चेक करवाना आपको जरूरी है, ठीक है। और कार्बोरेटर ये रहा, ठीक है, कार्बोरेटर को हम नहीं छेड़ेंगे, कार्बोरेटर बिल्कुल ओके होगा अगर गाड़ी की ट्यूनिंग परफेक्ट हुई तो, ठीक है। उसके अलावा हम गाड़ी के कॉन्सेट को सेट करेंगे, गड्ढे में कट कट आवाज़ आ रही है, तो ये जो हमारा ये जो होता है ना तामझाम, ये जो बोल्ट होता है ये लूज हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे कॉन्सेट में दिक्कत आती है। लास्ट टाइम हमने कॉन्सेट इसमें नया डाला था तो हमारा ये टाइट कर देंगे, ठीक है, ये हो जाता है, कॉमन है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम गाड़ी का एयर फिल्टर खोल के साफ करेंगे। तो अभी सबसे पहले इसका ऑयल का नट खुल रहा है, ठीक है। तो ऑयल का नट खुलने के लिए हमने लिया है 1 लीटर का मग्गा, ये 1 लीटर का मग्गा इसमें ले लिया हमने। अब इसमें ऑयल निकलेगा, देखो आपके सामने, इसको मेरी तरफ करिए जो लीटर वाला है। ऑयल कभी भी निकाल रहे हो आप इंजन की सर्विस के बाद तो आप लीटर वाले मग्गे में निकालो, उससे आपको पता रहता है कि हाँ भाई आपकी गाड़ी में ऑयल पूरा निकल रहा है। तो अभी देखते हैं कितना ऑयल निकल रहा है और कस्टमर से भी पूछेंगे भाई गाड़ी कैसी चल रही है, हमने कैसा काम करके दिया है आपको, आप खुश हो या नहीं हो, आप दुखी तो नहीं हो, आप अंदर से रो तो नहीं रहे हो काम को लेकर के, मैंने क्या कर लिया, मैं फंस तो नहीं गया। क्योंकि ऐसा होता है ना मैकेनिकों के पास काम करा के ज़्यादातर कस्टमर परेशान और दुखी हो जाते हैं, अंतरात्मा उनकी रोती है, तो ऐसा नहीं होगा हमारे पास। क्या बात है, ऑयल एकदम एक्यूरेट निकला, क्या बात है, एकदम मज़ा आ गया ऑयल देख के। तो ये निकला ऑयल एकदम 1000 ml ऑयल निकला, एकदम नेट 1000 ml, यानी कि 1 लीटर ऑयल पूरा निकला है, ठीक है। ऑयल निकालते समय हमने ऊपर की गेज को खोल दिया ताकि अंदर वैक्यूम प्रेशर ना बने जिसकी वजह से ऑयल कम निकलता है, ठीक है। ये चीज़ आपको करनी है, ऑयल का नट खुलता है, ऑयल निकलता रहा है और आपने ये खोल दिया। अब क्या करेंगे हम इसका स्पार्क प्लग खोलेंगे। स्पार्क प्लग खोल के दिखाओ भाई, भाई स्पार्क प्लग क्या लगता है, स्पार्क प्लग काला होगा या बिल्कुल एकदम एक्यूरेट होगा जैसे कि नई गाड़ी का होता है। जल्दी 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 स्पार्क प्लग खोलो भाई, इसका धड़पड़ 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 धड़पड़, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया स्पार्क प्लग, क्या बात है। ये देखो भाई एकदम बढ़िया प्लग निकला, एकदम बढ़िया। देखो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है ये वाइट होना चाहिए और ये बिल्कुल वाइट है, इसका मतलब गाड़ी की एवरेज माइलेज पिकअप एकदम मक्खन है और इसमें ओरिजिनल प्लग हमने डाला था तो वही प्लग निकला है, ठीक है। एक चीज़ और, आपकी गाड़ी में कहीं से भी ऑयल लीकेज नहीं हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो ऑयल लीकेज कहीं से भी नहीं है, एकदम परफेक्टली गाड़ी का काम कर रहा है इंजन। और हम इसको रखते हैं स्पार्क प्लग को साइड, पहले हम स्पार्क प्लग को साफ कर लेते हैं। साफ कैसे करते हैं मैं आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ। देखो ये स्पार्क प्लग है, हम इसको साफ करेंगे मशीन से, कैसे साफ करेंगे आपको दिखाता हूँ। ये रही मशीन, देखो मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, दिखा देता हूँ कि आप बोलो साफ प्लग लगाया। ये देखो प्लग कैसा निकाला, लगाया हमने, ठीक है। अब उसके बाद इसको मशीन में लगाएंगे हम, ये हवा से काम करती है मशीन जो है हमारी, और उसके बाद इसको बटन को दबाएंगे, सैंड ब्लास्ट जिसे कहते हैं, और प्लग को घुमाएंगे एक बार, हल्का हल्का घुमाओ, हल्का हल्का घुमाओ। अब उसके बाद हम इसको निकाल कर देखेंगे, क्या बात है, एकदम परफेक्ट, हाय हाय क्या बात है, ज़बरदस्त एकदम, एकदम क्लीन हो गया। ये रेगमाल से भी क्लीन इतना नहीं हो पाएगा जितना आप इससे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फटाफट से हम इसको रखते हैं साइड में, दूसरा प्लग भी साफ हो रहा है भाई, देखिए कैसा प्लग है, देखो दूसरा प्लग भी साफ करके दिखा देता हूँ। चलो भाई ये देखो इस तरीके से प्लग साफ करना, छोटी चूड़ी का वो बड़ी चूड़ी का था, और ये हो गया प्लग साफ, ये देखो एकदम मलाई, देख लो इस तरीके से। ये स्प्लेंडर की सर्विस, और स्प्लेंडर की भी वीडियो आएगी, ठीक है ना, स्प्लेंडर की वीडियो आएगी भाई सही तरीके से। तो कुछ इस तरीके से हम प्लग लगाते हैं, तो फटाफट से ऑयल का नट खोल के ऑयल निकल ही रहा है, और हम अभी ऑयल फिल्टर बाहर निकाल लेते हैं, ऑयल फिल्टर की कंडीशन देखेंगे कैसी आ रही है, ठीक है। वो जो अपाचे की सर्विस हो रही है ना सामने, वो अपाचे इन वाले भैया की है। तो भैया आपने इंजन का काम कराया था मेरे पास, आप काफ़ी टाइम, मतलब काफ़ी पहले आए थे, काफ़ी मतलब कितने टाइम हो गया, तकरीबन मुझे 6 महीने पहले आया था मैं, 6 महीने पहले आया था, 6 महीने पहले इंजन का काम कराया था, इंजन का ही काम कराने आया था, बट थोड़ी प्रॉब्लम थी इसलिए मैंने कराया नहीं। अच्छा ले गए थे, फिर मैंने चलाई भी नहीं। फिर आपने कब कराया था? उसके बाद अभी 1.5 महीने पहले, 1 महीना, 1.5 महीने पहले आए थे फिर। अच्छा इस 1.5 महीने की जर्नी में जैसे कि आपने इंजन का काम कराया 1.5 महीने पहले, खर्चा भी आपका हुआ, इंजन का भी काम हुआ, बॉडी में भी कुछ काम हुआ था थोड़े बहुत, तो आपको इस पूरे काम को करने के बाद जो हमने गाड़ी डिलीवर करी उसके बाद जो आपने चलाया, तो आपको पहले और हमें बाद में कितना अंतर नजर आया, काफी सही लगा या कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, जमीन आसमान का फर्क है, अच्छा लगा। और काफी, और आप मेरे पास आए थे तो किसके थ्रू आए थे, यूट्यूब के थ्रू, किसी दोस्त के थ्रू? हाँ जी। अच्छा यूट्यूब के थ्रू आए थे, कहाँ से आए थे आप? मैं फिरोजाबाद का रहने वाला हूँ एक्चुअली, अभी गुड़गांव रहता हूँ मैं। गुड़गांव से आप आते हो नॉर्मली? चलो वैसे इंजन की परफॉर्मेंस कहीं से ऑयल लीकेज वगैरह कुछ तो नहीं है? बहुत अच्छा। चलो बहुत बहुत थैंक यू भैया, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा यार आप लोग आते हो और काम करते हैं, सब सर्विस कर रहे हैं, ऑयल फिल्टर तो निकाली थी। उससे पहले मैं एक चीज दिखाता हूँ, देखो ये हम इंजन फिट कर रहे हैं गाड़ी यामा का, ठीक है ना। तो देखो यामा के इंजन में आवाज़ को मक्खन करने के लिए हम क्या डालते हैं, देखो ये देखो एकदम मक्खन की तरह कर दिया, देखो ऑयल ट्रीटमेंट डालते हैं आइब्रो कंपनी। अगर आपको परचेस करना तो यहाँ पे नंबर आ रहा होगा, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके 5 पीस ऑर्डर कर सकते हो मिनिमम।
ठीक है ना, इससे कम नहीं ऑर्डर होते भाई, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है कोरियो को लेकर। ठीक है, तो फटाफट से इस गाड़ी के हम ऑयल फिल्टर निकालते हैं। ऑयल डाल रहा हूँ मैं इसमें मोटुल का 3100 सीरीज, सबसे बेस्ट ऑयल मुझे ये लगता है मोटुल 3100 सीरीज ऑयल, इसलिए डालता हूँ क्योंकि भाई इसके अंदर हम ऑयल ट्रीटमेंट भी इंक्लूड करते हैं एब्रो कंपनी का। तो फटाफट से ऑयल ट्रीटमेंट डालते हैं और ऑयल फिल्टर निकालते हैं। ये हमारा ऑयल फिल्टर निकल रहा है, ये देखो जिस तरीके का ऑयल फिल्टर होता है, ये निकल गया भाई, निकल गया। इसका एयर फिल्टर क्लीन करना है, एयर फिल्टर एकदम साफ है। सर किससे साफ किया इसका एयर फिल्टर? अच्छा साफ ही था, अच्छा चलो ये ब्यूटी का। अगर आप बाई चांस एयर फिल्टर साफ नहीं होता है, क्योंकि देखो ये 500 किलोमीटर सर्विस है, तो एयर फिल्टर तो लास्ट टाइम नया ही डाला होगा, ठीक है ना। बट अगर नया आपको लगता है नहीं डालना है और आपको लगता है गंदा एयर फिल्टर है, तो आप इसको डीजल से टीटी ऑयल से वॉश कर सकते हो, ठीक है। कुछ इस तरीके से वॉश कर सकते हो कि भाई डिप करना है आपको उसमें और उसके बाद साफ कर देना है, ठीक है। तो अभी एयर फिल्टर फटाफट फिट करते हैं और इसके टैपेट भी सेट करना है, ठीक है लाला। और इसके कॉन्सेट भी लूजो, कॉन्सेट भी टाइट करना है, ठीक है ना। कलर के इससे टैपेट सेट करना है इसके बढ़िया तरीके से एकदम। हो चुका है चेन ल्यूब हो चुकी है, ठीक है। ऑयल फिल्टर जल चुका है, ऑयल जल चुका है, एयर फिल्टर साफ हो चुका है। चेन के ल्यूब भी कर दे, चेन टाइट कर रहे हैं हम। चेन टाइट करने से पहले मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ना पॉइंट बराबर होना चाहिए, यहाँ पॉइंट बराबर होना चाहिए, ठीक है देखो। और यहाँ पॉइंट बराबर होना चाहिए, अगर यहाँ दोनों पॉइंट बराबर है ना तो ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर भी पॉइंट बराबर होना चाहिए, देखो यहाँ पर ये देख लो, यहाँ पर अगर यहाँ दोनों की जगह पॉइंट बराबर है तो आपकी गाड़ी की चेन बिल्कुल ठीक टाइट हो रही है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात, और अगर आप सर्विस कर रहे हो तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे नट एक ही लगा है तो आपको दूसरा नट लगा देना है चेक नट के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक नट होगा तो जल्दी चेन लूज हो जाती है। एक नट एक्स्ट्रा लगा दो, चेक नट कर दो, चेन लूज जल्दी लूज नहीं होगी, ठीक है। दबाव पड़ता, खिंचाव पड़ता तो वो जल्दी लूज हो जाती है, तो यहाँ पे एक नट होगा तो वो लूज जल्दी नहीं होगी, ठीक है ना। तो फटाफट से चेन टाइट करते हैं इसकी, फटाफट धड़पड़ और आगे का काम देखते हैं। अभी बैटरी का हम साफ सफाई करनी है, बैटरी में गंदगी बहुत है, यहाँ WD-40 वगैरह लगाएंगे, यहाँ WD-40 लगाएंगे और ये सारा एरिया साफ करेंगे तरीके से एकदम। प्लग हमारा हो ही है, ऑयल फिल्टर भी हो गया हमारा, इंजन के नट बोल्ट भी टाइट करेंगे हम, क्योंकि इंजन के बोल्ट टाइट करना बहुत जरूरी है, वाइब्रेशन बढ़ती है इंजन से, ठीक है। ये सारा काम खत्म करते हैं फटाफट से और उसके बाद आगे आपसे मिलते हैं। जो है इसकी टैपेट सेट करने के लिए हम इसकी कैप को खोल रहे हैं, ये टैपेट हमने कैप खोल दी है, ये वाली टैपेट कैप खोल रहे हैं ओपनर से हम, ठीक है। 17 नंबर की कैप होती है, चाबी से ओपनर से पाने से किसी से खोल सकते हो, ठीक है ना। तो फटाफट ये दोनों चीज़ें खोल के हम मिलाएंगे इसकी टाइमिंग कैसे मिलाएंगे मैं बता देता हूँ आपको। तो भाई टाइमिंग मिलाने के लिए हमने ये वाला बोल्ट खोलना है और ये वाला जो बोल्ट है ये खोलना है 10 नंबर की लंकी वाला और ये 17 नंबर की लंकी वाला, मतलब 17 नंबर के गोटी वाला, ठीक है। तो इस तरीके से और यहाँ पर हम इसके बाद लगाएंगे 17 नंबर की गोटी इसके अंदर, ताकि इससे हम अपनी टाइमिंग मिला सकें। कैसे मिलाएंगे ये मैं आपको फटाफट से आगे दिखाता हूँ। ये लंकी 10 नंबर की, हीरो की पैशन प्रो, हीरो की स्प्लेंडर प्रो, हीरो की जितनी भी गाड़ियाँ पुराने मॉडल की, उन सभी में यहाँ पर 10 नंबर की लंकी लगती है और 14 नंबर के अंदर गोटी बोल्ट लगता है, पर यहाँ पर 17 नंबर का लगेगा क्योंकि यह पाँचे गाड़ी है, ठीक है। ये जब तक घुमाएंगे हम जब तक यहाँ पे टी नहीं आ जाता, ये देख लो इसके अंदर टी आ जाएगा, और जैसी टी आएगा उसके बाद हम मूवमेंट करके देखेंगे हमारे टैपेट मूव कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर टैपेट मूव नहीं कर रहे हैं तो उसका मतलब उस सिचुएशन में हमारी टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट मिली हुई है। मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको समझ में आए। ये टाइमिंग मिलाएंगे इस तरीके से हम और यहाँ पर टी आ जाएगा लिखा हुआ, जब टी लिखा आएगा तो हम इसको घुमा के देखेंगे हल्का फुल्का, एक साइड इधर एक साइड एक सेकंड का, और उस मूवमेंट पर ये मूवमेंट नहीं करने, अगर ये नहीं कर रहे हैं तो उसका मतलब टाइमिंग मिली हुई है। यहाँ टी दिख रहा है और ये हिलाने पर ये हिल रहे हैं, उसका मतलब टाइमिंग आउट है, नहीं मिली हुई है, ठीक है। क्योंकि मैग्नेट का एक जो सर्कुलेशन होता है वो इसकी सर्कुलेशन के अकॉर्डिंग वो दो बार होता है, ठीक है ना। इसके लिए हमने लिया है फ्लर गेज और 0.05 mm वाला हम गेज ले लेंगे इसके अंदर से, इसको बोलते हैं फ्लर गेज। इसके बिना टैपेट सेट नहीं हो सकते किसी भी हाल में, तो ये होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फ्लर गेज छोटा सा आता है, 20-50 रुपये का टूल आता है, ये आप किसी भी ऑनलाइन अमेजोन से वगैरह से ऑर्डर कर सकते हो, तो ये हम ले लेंगे, ठीक है। ये दिखाइए मुझे जरा, ये देखो 0.05 mm, ये देखो 0.0 दिख रहा होगा शायद आपको, 0.05, तो ये हमें रखना है इधर और ये हमें रखना है। कंपनी तो कहती है कुछ और हम अपने हिसाब से चलते हैं, ठीक है। तो फटाफट से इसके टैपेट सेट कर लेते हैं और गाड़ी को करते हैं पूरी पैक। तो भाई इस गाड़ी का हमने सारा ही काम कर दिया है, टैपेट वगैरह सब सेट हो गए हैं, टंकी वगैरह लग रही है, ये सब चीज़ें जो हैं सर्विस में करनी पड़ती हैं अगर 500 किलोमीटर पर कस्टमर की कंप्लेंट टैपेट की है तो, ठीक है। वैसे तो टैपेट सेट करने के हम अलग से पैसे लेते हैं, क्योंकि हमारा टैपेट सेट करने का सिस्टम है बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। बट अगर कोई 500 किलोमीटर पर टैपेट सर्विस कराने के लिए लेके आ रहा है टैपेट सेट कराने के लिए, तो वो फ्री होता है, उसमें पैसे नहीं लगते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको लगता है आपकी गाड़ी में काम करा है हमने या कोई दिक्कत आ रही है, अगर कोई मेरा व्यूवर से मेरा सब्सक्राइबर है और वो काम कराया उसने इंजन में मेरे पास इंजन का है और इंजन में कोई दिक्कत आ रही है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट वो ठीक करा सकता है मेरे से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी व्हाट्सअप का एड्रेस मिल जाएगा। इंजन में कोई भी कैसी भी किसी भी तरीके की दिक्कत अगर उसको आ रही है, ऑयल लीकेज की आ रही है तो मैं फ्री में ठीक करूँगा, आवाज़ आ रही है फ्री में ठीक करूँगा, कोई भी पिकअप किसी भी चीज़ की दिक्कत आ रही है अगर वो मेरे पास काम कराया उसने, तो मैं दोबारा बता रहा हूँ भाई वो एक बार मेरे पास गाड़ी लेके आए, मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक करके दूंगा। उसको अपॉइंटमेंट भी लेने की जरूरत नहीं है, वो बस एक बार कॉल कर दे, बिना कॉल करे ना आए, और बिना कॉल करे आएगा तो भाई उसकी गाड़ी नहीं हो पाएगी। एक बार आने से पहले एक दिन पहले कॉल कर दें और अपनी गाड़ी की समस्या में बता दें, ताकि हम उसका रिकॉर्ड चेक कर लें और उसके बाद वो गाड़ी आ जाए। बस एक छोटी सी कंडीशन है, उसकी गाड़ी मेरे पास सर्विस टाइम से होनी चाहिए, अगर सर्विस टाइम से नहीं हुई तो काम तो ओके हो जाएगा पर उसके चार्ज लगेंगे, ठीक है। तो ये पूरी ही गाड़ी ओके हो गई है, ठीक है। अब फटाफट से इसके कॉन्सेट को सेट करना है। कॉन्सेट को सेट करने के लिए हमने कराया है इसकी ऊपर की टेप प्लेट को खोल लिया है,
अब प्लेट को खोलने के बाद ये बोल्ट हम लूज करेंगे और लूज करने के बाद हम इसके नट को टाइट करेंगे। मैं बता देता हूँ, जब आप पीछे की तरफ मूवमेंट करोगे ऐसे दबाओगे पीछे की तरफ गाड़ी को, दबाइए गाड़ी को, दबा दी जैसे मान लो पीछे दबा दिया गाड़ी, अब हैंडल हमने इस तरीके से बीच में छोड़ा, ठीक है। अब उसके बाद हल्का सा करने पर, टर्न करने पर, ये हमारा हैंडल जो है इधर भाग रहा है, ऐसे करके इधर भाग रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हैंडल बिल्कुल ठीक है। अगर आपको लगता है हैंडल बहुत तेज़ी से भाग रहा है, रुकना नहीं है, तो इसका मतलब आपकी गाड़ी का हैंडल लूज़ है, ठीक है। अभी क्या हैंडल हमारा टाइट हो चुका है, मैं बता देता हूँ हैंडल कैसे टाइट करते हैं। ये प्लेट ऊपर की खोल लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये बोल्ट हमारा लूज करेंगे हम। उसके बाद ये जब लूज हो जाएगा तो हम नीचे वाले बोल्ट को टाइट करेंगे। ये टाइट इस तरीके से करना है कि ये ज़्यादा टाइट ना हो, ठीक है। ज़्यादा टाइट होगा तो हैंडल हमारा टाइट हो जाएगा, तो हल्का सा टाइट करना है और उसके बाद ये बोल्ट हमें टाइट कर देना है। उसके बाद हमें हैंडल चेक करना है, बीच में ऐसे ऐसे तो नहीं कर रहा हो, बीच में शेक नहीं करना चाहिए, बीच में प्यार से रुकना चाहिए और रुकने के बाद हल्का सा धक्का देने पर वो नीचे जाना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो पूरी ही गाड़ी फटाफट से पैक करते हैं। अगर आप मेरी वर्कशॉप पर आना चाहते हो, मेरी वर्कशॉप का एड्रेस देखना चाहते हो, फोन नंबर देना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लेना, वहाँ पे सब कुछ दे रखा है। मंगलवार को मेरी वर्कशॉप बंद रहती है और फोन नंबर भी बंद रहता है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पहले मैं कस्टमर की फीडबैक दिखा देता हूँ वो कैसी गाड़ी चल रही है, ठीक है। कस्टमर की फीडबैक क्या दिखाऊँ यार, अच्छी है वैसे भी कस्टमर से, बढ़िया नॉर्मल सर्विस इसी तरीके से होती है, बाकी हमने काफी सारा काम किया है। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा यार, इस वीडियो में बहुत मेहनत लगती है भाई, छोटे छोटे शॉट लेने पड़ते हैं, छोटी छोटी क्लिप दिखानी पड़ती है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी पड़ती है, उसको एडिट करना पड़ता है, अकेले सब करता हूँ, हालत खराब हो जाती है। तो फटाफट से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को पसंद करना और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर करके जाना वीडियो को।